इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान में टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली बर्बरियत और जाहिलियत की मजम्मत की है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए इस राबते से मुतालिक। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें माह रमज़ान में मज़लूम फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली हमले को काबिल मज़म्मत करार दिया है। गज़ा में इबादत करते मुसलमानों पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। इस टेलीफोनिक बातचीत में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान और तुर्की का मसला फ़िलिस्तीन के लिए मिलकर काम करने का है और मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया है। दोनों ममालिक के वज़रा खारजा मिलकर मसला फ़िलिस्तीन को आलमी सतह पर उठाएंगे। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी इस टेलीफोनिक रबते में तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मसला फ़िलिस्तीन के लिए तुर्की के किरदार को भी सराहा गया है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि अफगान अमन अमल और फौजियों के इनखिलाफ पर तुर्की कोशिशें जो हैं वो काबिल तारीफ हैं। अफगान अमन अमल और फौजों के इनखिलाफ पर तुर्की कोशिशें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया गया है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अब्बास तफसील के लिए आपका शुक्रिया।